अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का बुधवार को हार्ट अटैक के बाद 60 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 30 अक्टूबर को ही 60वां जन्मदिन मनाया था। ब्रेन में क्लॉट पाए जाने के बाद उनकी सर्जरी हुई थी। हाल ही में अस्पताल से छुट्टी दी गई थी। मैराडोना ने 1986 में वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड पर जीत दर्ज करते हुए 2 ऐतिहासिक गोल किए थे। पहला गोल हैंड ऑफ गॉड माना गया था, यानी भगवान का हाथ। वह इस गोल के नाम से जाना जाता है। उस समय बॉल उनके बाएं हाथ पर लगी थी, लेकिन रेफरी को लगा था कि सिर से टकराई है। दूसरा गोल उन्होंने मिडफील्ड में अंग्रेजों से फुटबॉल हत्या कर और उनसे बचते हुए किया था। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड के खिलाफ एक और गोल मारना उनका सपना है। इस बार वह दाएं हाथ से गोल मारना चाहते हैं। ब्यूनस आयर्स की झुग्गी बस्ती में पढ़े लिखे मैराडोना इतिहास के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने। फुटबॉल इनके इशारों पर नाचती थी। उन्होंने 3 देशों अर्जेंटीना, इटली और स्पेन की क्लब टीमों का नेतृत्व किया और उन्हें चैंपियन बनाया। 8 साल की उम्र में द लिटिल ऑनियंस क्लब से जुड़ गए थे। इसी क्लब में लगातार 136 गेम्स और नेशनल चैंपियनशिप जीती थी। 14 साल की उम्र में उन्होंने अर्जेंटिनोज जूनियर से करार किया और 1976 में महज 16 साल की उम्र में फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल में उतर गए थे। 4 माह बाद ही नेशनल टीम में चुन लिए गए। वे ऐसी उपलब्धि वाले अर्जेंटीना के सबसे युवा खिलाड़ी थे। हालांकि कम उम्र बताकर उन्हें 1978 में टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन अगले ही साल अंडर 20 नेशनल टीम का नेतृत्व किया गया था। लेकिन अगले ही साल अंडर 20 नेशनल टीम का उन्होंने नेतृत्व किया था। 1981 में वे बोका जूनियर से जुड़े, फिर यूरोप चले गए। 1982 में एफसी बार्सिलोना में खेले। 1982, 1986, 1990 और 1994 में अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रहे। मैराडोना मध्यम वर्ग के मसीहा थे। 21 साल के कैरियर में 490 ऑफिशियल क्लब गेम्स खेले और 259 गोल किए। अर्जेंटीना के लिए उन्होंने 91 गेम खेले और 34 गोल किए। इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा करवाए गए सर्वे में उन्हें 20वीं सदी का शीर्ष खिलाड़ी चुना गया। बार्सिलोना, नेपली, सेविला और नेवेस ओल्ड बॉयज क्लबों के लिए खेले। उनके निधन पर ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी पेले ने कहा कि एक दिन स्वर्ग में कहीं मैराडोना के साथ वे फुटबॉल खेलेंगे। वहीं बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि मैंने अपना हीरो खो दिया है। पिछले माह एक इंटरव्यू में मैराडोना उन्होंने कहा था पिछले माह एक इंटरव्यू में मैराडोना ने कहा था कि वे खुश हैं कि फुटबॉल के जरिए लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाए हैं।